जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सात संगत जी, आज इधर राजस्थान आकर बहुत ही खुशी मिल रही है। जहां दासी की नजर पड़ रही है तो सिर्फ बेवारी के महापुरुष ही नहीं सिर्फ दिख रहे, आसपास के दिल्ली हरियाणा और भी दिख रहे हैं कि राजस्थान के भी जो कुछ घंटे दूर पे शहर हैं वहां से भी आप सब चल के आए हैं। और दासी जब आज सुबह आ ही रही थी इधर तो तब दिख रहा था कि मानेसर के एंड में जैसे ही शहर ये शुरू हुआ वहां पे भी सड़क पे सेवादल ड्यूटी कर रहे थे कि वो सब ऐसे ऐसे काफी सेवादल महापुरुष उस स्पॉट्स पे भी खड़े हुए हैं अभी भी जहां पे उनको हो सकता है पंडाल में आने का मौका भी नहीं मिला होगा और वो वहीं खड़े धूप में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। निरंकार आप सब पे कृपा करें, जिस तरह इतने छोटे से समय पे ऐसे ही बताया गया जबकि इधर समागम रचना है तो इतने शॉर्ट नोटिस पे जहां इस स्थल की भी सेवा करके इसको तैयार किया गया पूरी संगत ने और जो प्रशासन की तरफ से अधिकारियों ने और जो भी प्रबंधक और जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड महकमे हैं वहां से भी जो भी योगदान मिलता गया और सबसे बड़ा योगदान सेवादल और सत्संग संगत का मिलके है जिन्होंने इस सत्संग को पूरा कायम करने में बहुत अपनी सेवा भाव डाला। दासी आज सुबह एक फोन पे चित्र देख रही थी उसका थोड़ा सा दासी आपके साथ शेयर करना चाहेगी कि एक सांप लिपटा हुआ था एक आरी के ऊपर और नीचे लिखा हुआ था कि जिस ये एक घटना का बयान हो रहा था कि जैसे एक आरी होती है वो एक तरफ से तीखी होती है तो जैसे ही सांप उस आरी पर लिपटा उसको वहां तीखे वाले हिस्से से आरी के उस तरह से जख्म हो गया कि वो खून बहने लगा। जैसे ही उस सांप के साथ ये घटना हुई उसको लगा कि शायद मैं कोई ऐसे खतरे में हूं और उसका जो एक ये इंस्टिंक्ट था उसने उस आरी के ऊपर अपना फन से एकदम डसा और डसते ही जहां अभी तक तो सिर्फ एक ही जगह में चोट थी वो ऐसा करने से लोहे की तीखी जगह पे उसका मुंह वाला हिस्सा भी छिल गया। तो जब दासी ये घटना पढ़ रही थी तो एकदम ऐसा एहसास हुआ कि हम भी कई बार ये क्रोध में होते हैं या कोई और ऐसी जब समय आता है जहां हमें ऐसे लग रहा होता कि हम इस तरह उलझे हुए ये सोच रहे होते हैं कि गलती सामने वाले की है या परिस्थितियां कुछ ऐसी गलत है, उस घड़ी में अगर हम निरंकार का सहारा ना लें तो हम नुकसान अपना ही कर बैठते हैं ये सोच के कि कोई और हमारा नुकसान कर रहा है परंतु हम अपना स्वयं ही नुकसान कर रहे होते हैं। निरंकार हम सब पे ऐसी कृपा करे कि जिस तरह इतना बड़ा दौलत ये जो निरंकार रूपी हम सबके झोली में है संसार के ज्ञान कोने कोने में पहुंचे और हम सब भी जो इस निरंकार को जानते हैं उन निरंकार की कीमत हमेशा याद रहे और पल पल इसी के ही ध्यान में हमारा जीवन बीते, चाहे दिनचर्या जो भी हो जो भी कार्य में हम रक्त हों, जिस तरह कोई भी कार्य करते करते सांस अपने टाइम से एवरी सेकेंड हम जिस तरह श्वास भर रहे हैं बिना एफर्ट किए वैसे ही उस तरह इस निरंकार का भी ध्यान हमें हमेशा ही रहा। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।